खबर गोरखपुर से। शाहपुर थाना क्षेत्र के घोसीपुरवा मोहल्ले से 27 सितंबर दोपहर 2 बजे से गायब आफताब आलम के दो पुत्रों तौहीद आलम व तौसीफ आलम में से एक लड़की की लाश शनिवार को गुड़धैया नाले से बरामद हुई। दूसरे बच्चे की तलाश को लेकर पुलिस गुड़धैया नाले में सर्च अभियान चला रखा है। बरामद बच्चे की लाश की शिनाख्त कपड़े और ताबीज के जरिए परिजनों ने की। एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुव ने कहा कि बीते 27 सितंबर से लापता दो मासूम बच्चों की लाश को लेकर लगातार पुलिस ने सर्च अभियान चला रखा था। गुड़धैया नाले में बच्चे के डूबकर मरने की आशंका जताई जा रही थी। आज नाले से एक बच्चे की लाश मिली है, दूसरे बच्चे की तलाश जारी है। एसपी सिटी के मुताबिक परिजनों ने एक बच्चे की पहचान उसके कपड़े और ताबीज से की है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इस बात की और पुष्टि हो जाएगी। गोरखपुर से विनय त्रिपाठी की रिपोर्ट। सर आज यहाँ पे एक शव मिला है, क्या कुछ? ये दो बच्चे खोने की सूचना के अंतर्गत जो शाहपुर में दो बच्चे गए थे उसके लिए हम बार बार चेकिंग करवा रहे थे नालों की। आज उसी क्रम में हमें एक बच्चे का शव मिला है जिसकी उम्र लगभग 7 से 6 साल के आसपास की प्रतीत हो रही है। परिवार द्वारा बच्चे के कपड़ों से तावीज़ से उनकी शिनाख्त की गई है, मगर हम श्योर होने के लिए अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि और सारे साक्ष्य लेके उसे करें। अभी बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया जा रहा है। दो बच्चे गुम हुए थे, अभी कितने बॉडी? अभी चेकिंग के दौरान हमें एक बॉडी अभी प्राप्त हुई है जो संभवतः 6 से 7 साल के बच्चे की बॉडी लग रही है, और अभी बाकी और चेकिंग करवाई जा रही है और जो भी निकल के आएगा उसके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। जो बच्चे गायब हुए थे उनके माता पिता बुला के बात की? उनके पिताजी आए थे और उनकी स्थिति ठीक नहीं थी, तो उनके परिवार के बाकी लोग भी आए थे, तो उन्होंने एक बार के लिए देख के बच्चे को शिनाख्त की है कि बच्चा संभवतः वही प्रतीत हो रहा है, मगर हम बाकी का भी श्योर होने के लिए बाकी के सभी चीज़ों को अवश्य करवाएंगे।